ड्रीम इलेवन में स्किल स्कोर क्या होता है और ये ड्रीम इलेवन का स्किल स्कोर बढ़ाने से क्या हम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जीत सकते हैं ड्रीम इलेवन से। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ड्रीम इलेवन का स्किल स्कोर के बारे में बताने वाला हूं। ये स्किल स्कोर क्या होता है और इससे कैसे बढ़ाते हैं ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जो है वो आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग को ये कहना है जिसका स्किल स्कोर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जीतने का चांसेस होता है उसे और वो 1 करोड़ तुरंत जीत जाता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्किल स्कोर होता है आपके पूरे कंटेस्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। आपने कितने सारे कंटेस्ट खेले हैं ड्रीम इलेवन के ऊपर में, अगर आपने बहुत सारे कंटेस्ट खेले होंगे तो आपका स्किल स्कोर जो है वो अच्छे होगा, जैसे कि 200 300 400 500 600 ऐसे हो सकता है। वो सारे के सारे जो स्किल स्कोर है जो है वो काउंट होते हैं आपके कॉन्टेस्ट के ऊपर कि आपने टोटल कितना नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट खेला है ड्रीम इलेवन के ऊपर, उसके बाद आपका जो है वो स्किल स्कोर बनता है। अब ये स्किल स्कोर बढ़ते चला जाता है, अब कैसे बढ़ता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने बहुत सारा कंटेस्ट ज्वाइन किया, बहुत सारा मैचेस ज्वाइन किए, उसके बाद आपने जीता हारा ये सब कुछ वेस्ट होता है, उसके बाद आपका स्किल स्कोर जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये स्किल स्कोर क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग को ये डाउट है ना कि क्या स्किल स्कोर बढ़ाने से हम 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ जीत सकते हैं ड्रीम इलेवन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो दोस्त ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका स्किल स्कोर ज़्यादा है तो ही आप 1 नंबर पे या फिर 2 नंबर पे आ सकते हो, क्योंकि यार स्किल स्कोर का मतलब ये होता है कि आपने लंबे समय से काफ़ी ढेर सारा कॉन्टेस्ट खेल लिया है तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है गेम के ऊपर कि कैसे टीम बनाना है, कैसे जीतना है, कैसे खेलना है, तो थोड़ा बहुत चांसेस बढ़ जाता है कि आप जीत सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो नया आईडी बनाए आपका स्किल स्कोर 0 है तो आप नहीं जीत पाओगे। बहुत सारे ऐसा यूजर्स मैंने देखा है वो आज के आज ही आईडी बनाया और उन्होंने 1 नंबर पे आ चुका है और 2 करोड़ रुपए ड्रीम इलेवन से जीत चुका है। यहाँ तक कि गाइज आप बहुत सारे लोग को ऐसा भी देखते होंगे कि स्किल स्कोर 200 300 या फिर 500 होते हैं उसके बाद ही वो 1 नंबर पे चला जाता है। मैंने तो ऐसा भी देखा है ना कि हमसे बहुत ही कम उसका स्किल स्कोर था फिर भी वो 1 नंबर पे आ गया और हम 1 नंबर पे नहीं आए हैं। तो स्किल स्कोर मायने नहीं रखता है ड्रीम इलेवन पे 1 नंबर पे आने पे। तो बहुत सारे लोग का ये डाउट था तो मैंने ये डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूं, मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।